अमेठी में पुलिस फेलियर का बड़ा मामला सामने आया है, जहां गवाही देने जाने के लिए जा रहे परिवार पर हिस्ट्री शीटर अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर गांव का है। आरोपियों ने 10 साल पहले इसी घर की बेटी पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इसी मामले में परिवार आज दीवानी न्यायालय गवाही देने जा रहा था, जिसमें आज फाइनल बहस होनी थी। अगर बहस पूरी हो जाती तो अपराधियों को सजा हो जाती। उससे पहले ही अपराधियों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। वहीं पूरे मामले पर सीओ ने कहा, 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का भी गठन किया गया है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद अमेठी के अमेठी थाना अंतर्गत बेनीपुर गांव में 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको CSC लाया गया है, जहां से इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया है। और पुलिस अभियुक्त जो भी हैं मारपीट में इन्वॉल्व हैं, उनकी धरपकड़ की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या कारण था जो ये मारपीट हुई है, कुछ बताया जा रहा है? आपसी रंजिश या मुकदमा पहले से चल रहा था? अभी इसकी जांच की जा रही है, जांच के उपरांत आपको अवगत करा दिया। अपराधी तक क्या पुलिस पकड़ा, अभी गिरफ्त में है? अभी इसका धरपकड़ के लिए टीम रवाना कर दी है। वहीं पीड़िता सायरा बानू ने कहा कि सभी 302 और 307 के मुजरिम थे और आज हम लोग परिवार के साथ न्यायालय में गवाही देने जा रहे थे, तभी उन लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों और ईंट से हमला कर दिया। आज तारीख पर जात रहे ने मुकदमा की तारीख 307 302 का मुजरिम है। कौन? गफ्फार का लड़का कमालुद्दीन और निजामुद्दीन और हकीमुद्दीन, बच्चा कहा थे हकीमुद्दीन और पप्पू रियाजुद्दीन उनका नाम है, पप्पू कहा इमामुद्दीन नाम है। किस लिए मारे हैं? वो जो तारीख को जान मुकदमा तारीख है ना, मतलब इनकी लड़की किससे मारे हैं? ईटा से मारे ने, लाठी से मारे ने, इतना बड़ा काटा कोई घर में मरे हुए परा हुए घर में घुसुर घुसुर के मारे हैं, इतना बड़ा खर्चा है जो था हमारे घर में जाए भाई जाए ले ले घर में। दिन दहाड़े परिवार पर जानलेवा हमले से क्षेत्र समेत पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। मामले में एक ही परिवार के 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, अमेठी।